हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूं। तो मैं हमेशा आपके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के वीडियो लेकर के आता रहता हूं फ्रेंड। तो आज का जो कंटेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, आज का जो हमारा कंटेंट है वो क्या है कि आप जब UMT यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप UMT को यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर UMT मेरे हाथ में UMT है। और जब आप UMT को यूज़ करते हैं तो आपको अभी शायद दिक्कतें आ रही हों कि एक एरर आ रहा हो, दिक्कत एक मैसेज करके आ रहा हो कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा हो। तो मैं इसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको सारी कोई भी जो भी हमारे चैनल में वीडियो बनती है कोई भी फेक नहीं बनता है, सब जेन्युइन वीडियो बनती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है इसके लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा, इसको मैं लगाता हूँ, UMT डोंगल को लगा देता हूँ। अब उसके बाद मैं कोई भी एक सेटअप खोलता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक सेटअप खोल रहा हूँ, यस कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए दो तीन सोल्यूशंस हो सकते हैं, और इसका क्या सोल्यूशन, पहले तो आप प्रॉब्लम को फेस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें दिक्कतें क्या आ रही है और क्या दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, और चलिए मैं आपको जैसे ही हमारा ओपन हो जाता है उसके बाद मैं आपको पहले प्रॉब्लम को फेस करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशंस को करेंगे। तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स सीखना है या MMC का कोर्स सीखना है तो हमारे SI टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SI टेलीकॉम। और ज्वाइन करके आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप UMT को कमांड दे रहे हैं ना तो वो काम नहीं कर रहा। मैं आपको फेस करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेंड्स। तो बस जैसे ही खुल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे UMT में। और अगर आप में भी कभी ऐसा आए फ्यूचर में या अभी करंट में आ रहा हो कि आपने 6.1 को अपडेट कर दिया हो, जैसे 6.0 है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दोनों चीज़ें सब चीज़ें करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6.0 है वर्जन जो चल रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कहीं पर भी एक कमांड दे देना है, चाहे FRPM हटा रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, यस कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप अभी देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा आ रहा है, क्योंकि फिर आपका एप्लीकेशन डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं इंस्टॉल एंड PC रिस्टार्ट। अगर ऐसा करके कोई दिक्कतें आती हैं आपको फ्रेंड, तो आपको क्या करना है वो आपको मैं सोल्यूशन देता हूं। तो पहला सोल्यूशन तो ये है फ्रेंड्स, आप इसका जो डाउनलोड वर्जन है 6 या 5.9 होगा, आप वो डाल के चला दो, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर दो। और उसके बाद आप कोई सा भी कमांड देंगे, जैसे फॉर्मेट FSC कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका वो डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब काम नहीं करेगा, आपका ये एरर आता जाएगा फ्रेंड्स। अब ये स्टॉप भी नहीं होगा और यहाँ पे कोई भी फंक्शंस काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं इसके लिए आपको सोल्यूशन बताता हूँ। या तो आप सबसे पहले इस पर 5.9 डाल दीजिए, या तो उसके बाद अभी 6.1 चल रहा है, मैं 6.1 भी डालूंगा। तो फ्रेंड इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं आपके लिए हमेशा नए नए कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे जाना है, प्रोग्राम में जाना है, यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉल प्रोग्राम पे जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका कोई भी ऐसा शेयर होगा, जैसे इंटरनेट से आप किसी का डाटा या पोर्ट को शेयर करते हैं, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन होगा तो अपने सिस्टम में नहीं रखना है। तो हमारे सिस्टम में भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उसमें दिक्कत हो रही है, जैसे FlexiHub करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पोर्ट को शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। तो अगर आप में ये है तो आप इसको बिल्कुल भी डिलीट कर दें FlexiHub, मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने FlexiHub जो था मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं फ्रेंड। तो आपको फ्रेंड मैं बता दूँ, अगर आपका UMT वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कि आपको चाहिए हमें किसी भी कंटेंट के ऊपर कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हार्डवेयर से रिलेटेड, तो आप हमें बेसिक बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, मैं सारी जानकारी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है या अनइंस्टॉल किया है, तो उसके बाद आपको अपने PC को, अपने कंप्यूटर को दोबारा से रिस्टार्ट करना होता है। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूंगा, दोबारा से अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना होता है। तो देखिए FlexiHub हमारा कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो नहीं होता है तो फिर दूसरा सेकेंड हम अपनाएंगे, इसमें 5.9 डालेंगे या 6.1 डालेंगे, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो मैं अपने चैनल में कोई भी फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, कोई भी अधूरी वीडियो नहीं डालता हूँ फ्रेंड्स। तो अब हम इसे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल में जो भी वीडियो बनती है फ्रेंड्स वो कभी फेक नहीं होती है, सब जेन्युइन होती है।
आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आपको करना क्या है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वर्क नहीं करता है तो आपको इसमें 5.9 डालना है। अगर 5.9 भी काम नहीं करता है फ्रेंड्स, तो आपको जो हमने लेटेस्ट 6.1 जो भी करंट में वर्जन चल रहा है, जो मैं अभी वीडियो आपको डाल रहा हूँ, अभी 6.1 क्यूसी फायर का वर्जन चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये जैसे हमारा ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये क्यूसी फायर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम दिखाएंगे कि कोई भी एक कमांड दे करके बोलेंगे, कोई भी एक कमांड करके दे लेंगे, जैसे हमें रीड फॉर्मवेयर या फिर कुछ भी करेंगे। सपोज़ मैं इसको भी स्टॉप कर दूंगा, जैसे रीड फॉर्मवेयर या कोई भी कमांड आपका काम नहीं करता था। फिलहाल अभी मैं देख सकता हूँ कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो 110% सॉल्व हो चुका है, मतलब हमारा जो ये प्रोसेस था अब हमारा ये कमांड एक्सेप्ट करेगा। चाहे इसमें आप कोई सा भी वर्जन डालेंगे, आप इसमें 5.1 डाल दीजिए, 6.1 डाल दीजिए, आप कोई सा भी इसमें वर्जन डाल देंगे फ्रेंड, तो 110% ये काम होगा। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि जब हमने इसको FRP रिसेट पे क्लिक किया था तो ये हमारा रिसेट कमांड काम नहीं कर रहा था, एक एरर आ रहा था। तो हम यहाँ पे इसको रिसेट FRP का भी कमांड दे के देखते हैं कि हमारा ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने रिसेट FRP पे कमांड दिया हुआ है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमें हमारा वेटिंग फॉर USB डिवाइस नहीं आ रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि हमारा वेटिंग फॉर USB डिवाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 110% सोल्यूशन हो चुका है, मतलब इसका जो सोल्यूशन था आपको कंट्रोल पैनल में फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे भी कोई सा भी एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं रखना है जो कि वो शेयर करता हो। मतलब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपके सिस्टम में कोई सा भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि वो उसको पोर्ट को शेयर कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं आपके सामने लाइव ही आपको बताया हूँ कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल में जाएं, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाएं और क्लिक करें और शेयर लाइक करें। तो आपको यहाँ पे जो भी इसका वर्जन होगा, अभी 6.1 चल रहा है, मैं अभी 6.1 भी डाल दूंगा तो भी वो 110% काम करेगा फ्रेंड। तो ये एक टेक्निकल लाइन में दिक्कतें आती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको हेल्प करूँ और जितना हो सकेगा मैं उतनी हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। तो आपको हमेशा यही बात ध्यान में रखना है कि छोटी से छोटी बातें आपको फाइंड करना है, कुछ भी करना है। तो आपको मैंने जैसा बताया कि आपको कोई सा भी एप्लीकेशन नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे कमांड हमारा नहीं ले रहा था, तो एक कमांड ये भी नहीं ले रहा था, फॉर्मेट FS भी हमारा काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे जो भी आपका कमांड होगा, जो भी आपको करना होगा, सेव फॉर्मेट, आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं किए, मैंने डाउनग्रेड 5.9 नहीं डाला है, आप वहाँ से डाउनग्रेड कर सकते हैं बट जब आपका काम नहीं करे तब। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा ये कमांड के लिए तैयार है, वेटिंग फॉर USB डिवाइस आ चुका है, उसमें वेटिंग फॉर USB डिवाइस नहीं आ रहा था और कोई भी सेक्शंस हमारे काम नहीं कर रहे थे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।